सर स्टार कास्ट की हम बात करें तो इसमें तो पहले लाडली नामी पड़ा है, जो कि सबसे प्यारी बहन, जो इन लोग दोनों हीरो की बहन लाडली है, वो हमारी। बेटा बता अपना परिचय दे अच्छे से, थोड़ा पैन कर लो उसके ऊपर। देखो हमारी लाडली जी हैं ये। लाडली जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम है संध्या गुप्ता। इसमें यही है, बेटी को पढ़ाओ बेटी को बचाओ, बेटी भी बोझ नहीं होती है। बस इसमें ये मोदी जी भी सब जगह बोल रहे हैं कि बेटी को पढ़ाओ। तो ये पिक्चर में शंकर और देवा, सॉरी वर्मन ब्रदर्स जी मेरे मतलब भाई बन रहे हैं, और इन मतलब मेरी माँ का रोल कर रहे हैं। तो अन्य मतलब सपोज मतलब उनने मुझे माँ का रोल बेटा कौन कर रहा है आपकी? काकी माँ। काकी माँ का नाम क्या है? रिंकू भारती ना ना ना, वो तो माँ का है, जो काकी माँ थी किरण यादव किरण जी। यादव किरण जी, यादव जी उन शंकर जी और वर्धमान जी की मॉम बनते हैं, और मेरी जरूर। जो मॉम थी वो रिंकू भारती थी। तो उनने सपोज इस फिल्म में था, उन्होंने मुझे एक कूड़े में फेंक दिया था, तो मुझे वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा। अभी इधर कंटिन्यू, शंकर इधर कंटिन्यू। हाँ तो जैसा कि अच्छा लाडली ने अपना सब कुछ बता दिया कि क्या क्या था, बहुत हद तक कोशिश की बताने की। तो इसमें जो किरण यादव जी हैं, किरण यादव जी वो हमारे दोनों हीरो की माँ का कैरेक्टर, माँ बोले तो वो जैसे ये अनाथ अपनी बच्ची को लेके आया है, इसको बच्ची को पाले, वैसे किरण जी भी वो दो अनाथ जो ये लोग हीरो हैं अपने, उनको पाल पोस के बड़ा करती हैं, उनको प्यार देती हूँ माँ की तरह, उन्होंने कैरेक्टर किया किरण जी ने। फिर उसके बाद आते हैं हम, फिर बृजय त्रिपाठी जी सर, बहुत अच्छा उन्होंने कैरेक्टर किया, तनु जी के पिताजी का रोल किया है, बहुत प्यारा कैरेक्टर है उन्होंने। पिताजी के साथ साथ उन्होंने एसपी का भी बहुत अच्छा कैरेक्टर किया, उनका नेचर हर चीज़ क्या गजब की, उनकी एक्टिंग, जो एक्सपीरियंस उनका है लगभग 20-25 साल से, जो उन्होंने एक्सपीरियंस वो दिखा है, उन्होंने दिया है, उन्होंने आउटपुट भी दिया है। फिर उसके बाद आते हैं हम अपने अमित सर पे। अमित सर जो कि आपको बता ही दिया कि उन्होंने विधायक का कैरेक्टर कर रहे हैं, हीरा भैया जो कि हमारे बगल में बैठे हैं, अपने विलन का, मेन विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं, एक्शन मास्टर भी हैं, तो सब लोगों ने अच्छा काम किया। तनु मैम अपनी, प्राची जी, सबने बेस्ट काम किया है और सबने अच्छा अपना अपना आउटपुट दिया। रिंकू मैम जो कि अपनी लाडली की जो ओरिजिनल माँ बोले कहे तो जननी, जिन्होंने जन्म दिया है, वो भी अच्छा करेक्टर अपना उन्होंने किया है। सब लोगों ने अच्छा काम किया है, सारे आर्टिस्ट मेरे लिए अच्छे, उनके लिए मैं फिर से ताली बजाऊंगा। थैंक यू सो मच सबके लिए, थैंक यू सो मच। रिंकू जी क्या रियल मदर है इनकी या फिल्मों में? नहीं, रिंकू जी मैम फिल्मों में है, फिल्मों में मदर है, लेकिन उनका प्यार जो है ना वो रियल मदर जैसा है, ऑन सेट भी वो रियल मदर की तरह इनको प्यार करती हैं, फिल्म में तो जो कैरेक्टर है उनका नेचर, दिल, सब कुछ रियल मदर वाला है जी। ये शूटिंग हमारी छपरा के अगल बगल लोकेशन में होगी, जैसे अमनौर हुआ, भेल्दी हुआ, ये दो चार लोकेशन जो छपरा के इर्द गिर्द ही, हमारे सॉन्ग्स भी छपरा के इर्द गिर्द ही होंगे, और ये मूवी लगभग 2 महीने के बाद हमारा पोस्ट प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि राखी रक्षाबंधन तक हम इसे रिलीज करें, पहले रिलीज कर, चूँकि एक प्रॉब्लम है लॉकडाउन, लॉकडाउन की कुछ चीज़ें हैं जो हमें फॉलो करता पड़ता है, प्राइवेसीज जो हैं वो फॉलो करनी पड़ रही हैं, थिएटर्स नहीं चालू हैं, तो हम सोचेंगे कि ये अच्छे से मूवी पहले बने और इसको अच्छे लेवल से ज़्यादा दर्शक तक पहुँचाएँ। इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम ज़रूर वेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दर्शक तक, इस मूवी को हम पहुँचाएंगे। चूँकि मैंने 1 साल पहले मैंने एज ए एसोसिएट किया था, संघर्ष मूवी आई थी जो कि काफ़ी सुपर डुपर हिट हुई थी, पराग पाटिल जी डायरेक्टर थे, तो वहाँ से मुझे लगा था, एक इंस्पिरेशन था। इंस्पिरेशन तो पहले नहीं, पहले से भी मेरे के लिए स्त्री जाति या जो लड़की के लिए, शुरू से मेरे बेटी को, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जो मैं आज देख रहा हूँ ना, दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, मेरे पहले से सोचता। लेकिन जब मैंने संघर्ष किया तो मुझे ऐसा लगा नहीं, ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ हमको ढूंढना चाहिए, क्योंकि संघर्ष भी ऐसे बेटी पे ही मूवी बनी हुई थी। तो बाकी हम लोग डिस्कस किए, हमारे शंकर सर, हमारे प्रोड्यूसर्स, हम लोग 1 साल लगभग कंटेंट पे वर्क किया और अच्छा कंटेंट बना, और वो आप लोग के सामने शूट होने जा रहा है, और आप लोग आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, जो हम अच्छे से शूट करें और दर्शकों के बीच लाए।